जय माता दी। यहाँ रुके थे रात को हम सैलपुत्री भवन, ये पीछे बोर्ड लगा हुआ है सैलपुत्री भवन, और यहाँ पर हमने एडवांस में ही डोरमेट्री बेड बुक करा दिए थे। वैसे यहाँ ऑन द स्पॉट भी डोरमेट्री बेड मिल जाते हैं, और जिसका चार्ज है 120 रुपये। तो जो हमारे दूसरे साथी थे वे जाएंगे ई रिक्शा से और हम जा रहे पैदल। मुझे बुलाया शेरा वालिए, मैं आया शेरा वालिए। जय माता दी। अर्थक्वारी से जा रहे हैं भवन की ओर, जो लगभग 5 किलोमीटर का रास्ता है, और हम पैदल ही जा रहे हैं। जो हमारे साथ दूसरे साथी थे वे ई रिक्शा से जाने का प्रयास करेंगे, क्योंकि वे ई रिक्शा के जो टिकट काउंटर है वहाँ पर खड़े पीछे, जो यहाँ से लगभग 1/2 किलोमीटर पीछे हैं, और हमने निर्णय लिया था कि हम पैदल ही जाएंगे। अब रास्ते में ज़्यादा चढ़ाई नहीं मिलेगी, क्योंकि अब हम बिल्कुल पैदल चलेंगे। हम नए रास्ते जा रहे हैं जो कि हिमकोटी स्थान से होते हुए जाता है, जिसको हिमकोटी मार्ग भी कहते हैं। इस रास्ते पर हमें बंदरों का आतंक मिलेगा, बंदर बहुत ज़्यादा बदमाशी करने लगेंगे, इसलिए कोई भी खाने पीने का सामान लेकर नहीं चलना चाहिए। देखो मैं दिखाता हूँ आपको, बंदर ही बंदर जो होगी पीछे बंदरों, एक से बंदरों का इलाका। अब चल पड़े हैं हिमकोटी मार्ग पर, टिड्डी ने छोड़ दिया पुराना मार्ग। ओए तेरे भवन, रहे तुझ में मगन, भक्त ज्योत तेरी आता जलती रहे। अर्धकुंवारी से भवन तक जो ई रिक्शा चलती है उसका चार्ज है 354 रुपये, 354, और 5 किलोमीटर की दूरी, ज़्यादा खड़ी चढ़ाई नहीं है। कटरा से भवन तक जाने के जो दो नए वैकल्पिक मार्ग बने हैं, उसमें एक हिमकोटी और एक ताराकोट। हिमकोटी मार्ग जिससे हम चल रहे हैं, और ये दोनों मार्ग में सबसे पहले बना था, जबकि ताराकोट 2018 में शुरू किया गया, जबकि ये 2015 में शुरू हो चुका था। सत्या भोजनालय, यहाँ पर रिफ्रेशमेंट ले लिया, यानी कि चाय नाश्ता, और बहुत बढ़िया चाय। चाय की जो चार्जेज है श्राइन बोर्ड के 7 रुपये, और कॉफ़ी के 15 रुपये। उसमें लगभग 150 से 200 ml चाय या कॉफ़ी हमें मिलती है। रिफ्रेश होते हुए हम बढ़ रहे हैं हिमकोटी की ओर। जय माता। तो इस तरह के यहाँ पर ई व्हीकल बहुत सारे हैं जो अर्धकुंवारी से भवन के बीच चलते हैं। गिरने की आशंका है, कितना यहाँ पर ना बैठे, इसी वजह से कई स्थानों पर हमें बेंच नजर नहीं आते। बेंच नहीं होंगे तो श्रद्धालु बैठेंगे नहीं, और वहाँ खतरा होगा नहीं, क्योंकि ये कई जगह कच्चे पहाड़ हैं जो कभी भी उनका टुकड़ा गिर सकता है, इसीलिए ऐसे स्थानों पर बेंच नहीं मिलेंगे। अब लंगूर बंदर दिखने शुरू हो गए, यहाँ से भवन लगभग 2 किलोमीटर की दूरी पर रह गया, लेकिन 2 किलोमीटर पहले हमें लंगूर दिखाई देने शुरू हो जाते हैं। मंगल मूर्ति राम दुलारे, तूने मुझे
तुझे बुलाया मेरा वालिए। मंजिल तेरा द्वारा ऊंचे पर्वत लंबा रास्ता मैं रह ना पाया शेरा वालिए। आया मैं आया शेरा वालिए। अब हम जा रहे हैं लोकल रूम की ओर, जहां हम अपना लगेज, शूज और जो एक्स्ट्रा सामान है या बेल्ट वगैरह वो यहां रख देंगे ताकि आराम से दर्शन कर सके, क्योंकि अंदर अलाउड नहीं है ये चीज, मोबाइल कैमरा सेल्फी स्टिक वगैरह इस तरह के लोग। और ये निशुल्क सेवा है सर। एक लोग किधर, ये बहुत सारे लोकर खाली पड़े हैं, वहां से लॉक लो, लॉक और की एक साथ मिलता है। और फिर यहाँ किसी भी लॉकर में जो नंबर आपको रिमाइंड रखना पड़ेगा, हमने लॉकर नंबर 50 लिया है और ये याद रखेंगे, यहाँ अपना सामान सारा रखे हैं, क्योंकि मिलेंगे आपसे थोड़ी देर बाद जब हम दर्शन कर लेंगे। अंदर कोई भी मोबाइल कैमरा अलाउड नहीं, इसलिए हम अंदर की वीडियो नहीं दिखा पाएंगे। दर्शन करने के बाद लोकल से अपना सामान लाए और जा रहे हैं भैरवनाथ की ओर। अब यहाँ से रोप वे के लिए हम टिकट लेंगे, जिसका चार्जेस 100 रुपए पर हेड अप एंड डाउन। ऑप्शन है हमारे पास, अगर ये एक साइड जाए यूज करे या दोनों साइड। हम दौड़ गए जब तुम थके। जय भैरवनाथ, पहुंच गए हैं भैरव मंदिर और यहां से दर्शन करके फिर देखते हैं कहां जाएंगे, सीधा सांझ छत होते हुए अधिकारी या फिर भवन होते हुए अधिकारी। सच्चे दरबार की शंकर के अवतारी भैरव, चारों दिशा में राग तेरा। ओए तेरे भवन में मगन काम भैरव बाबा पर दर्शन करने के बाद अब हम वापस जा रहे हैं रोपवे से ही भवन की ओर, और रोपवे से वापस जाने के लिए उसी पर्ची से जिस पर्ची से हम आए हैं, यानी कि उसी टिकट से हम जाएंगे भवन पर। भाई जान रहा था ई व्हीकल में, लेकिन समय और पैसा दोनों लग रहा था, इसीलिए अब ये हमारे साथ कैसे बदला रहे हैं। हालांकि इस बार बहुत बड़े दर्शन हो गए, कुंवारी उसके बाद वैष्णो देवी और उसके बाद भैरवनाथ।
परदेसी को बुलाओ माँ। सीढ़ियों का प्रयोग करते हुए नीचे उतर रहे हैं। पुराने रास्ते पर थोड़ा सा ये फायदा है कि हम यहाँ पर सीढ़ियों का प्रयोग करके रास्ते को थोड़ा छोटा कर सकते हैं, लेकिन इस रास्ते पर थोड़ी सी भीड़ है, कंजेस्टेड रास्ता है, क्योंकि इसी रास्ते एक ही रास्ते पर गधे घोड़े खच्चर इंसान सभी चल रहे हैं। हाँ? तो और साथ में मेंटेनेंस का काम भी चल रहा है, तो श्रद्धालु इस रास्ते में ज़्यादा मिले। और इस बार हमने लंबी सीढ़ियाँ ले ली जिसकी संख्या 526। तो रास्ते को छोटा करने की कोशिश की जा रही है और इस रास्ते के प्रयोग से हम पहुंचेंगे बाणगंगा। सारा जग है एक बंजारा, सबकी मंजिल तेरा द्वारा, तूने मुझे बुलाया। हम सीढ़ियों का प्रयोग कर रहे हैं, रास्ते को छोटे से छोटा करने की कोशिश कर रहे हैं और ये भाई हमारा सामान लेके यहाँ हमारा इंतजार कर रहा है।